बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन होता क्या है, करते करते हम धीरे धीरे ना ढीले पड़ जाते हैं और चीजों को करना छोड़ देते हैं। उनमें से एक है अपने ऊपर ध्यान, यानी कि अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान, काम को थोड़ा सा जल्दी निपटाने की आदत। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है कि किस तरह से मैं अपने मॉर्निंग के 5 to 8 यानी 5 बजे से 8 बजे तक के घंटे जो होते हैं ना, ये 3 घंटे ने किस तरह से यूटिलाइज करती हूँ, और जिससे कि मेरा पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहता है और मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। अब चाहे आप उन्हें टिप समझ लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि वो घंटे किस तरह से मैं बिताती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी चीज को अगर आपको अपनी आदत में शुमार करना है ना, तो उसे 21 दिन कर लीजिए, देखिएगा वो आदत बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ना सुबह उठना है, मैं ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक, मतलब 5:15 तक तो उठ ही जाती हूँ, 5:15, 5:20 तक कोई फिक्स नहीं है, और उसके बाद करती हूँ अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज। और इसके लिए मैं अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और हाँ, 5 से 8 बजे तक का जो मेरा टाइम है, इसमें मैं हेयर मास्क लगा लेती हूँ, फेस मास्क लगाती हूँ, या जो भी अपनी स्किन और हेयर केयर करनी होती है वो भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। और ये टाइम बहुत ही अच्छा है, आसानी से कट जाता है, काम करते करते जो है ना हेयर और स्किन केयर भी हो जाती है। सुबह उठकर खिड़की दरवाजों को खोल देना बहुत जरूरी है, आप एक बार करके देखिएगा, बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है। नेचर से ना, नेचर का घर के अंदर होना बहुत जरूरी है, जैसे धूप आती है, हवा आती है, और इसके बाद जो है 10 से 15 मिनट मैं बाहर अपने पेड़ पौधों के बीच में जरूर बिताती हूँ, और किसी भी तरीके का काम का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। वैसे भी चाहे ऑफिस जाना हो, घर के काम हो, कुछ भी हो, कभी स्ट्रेस मत लीजिए, दिन की शुरुआत करिए बहुत ही खुशनुमा माहौल से, और थोड़ा सा हंसिए मुस्कुराइए। और मैं तो इस टाइम चीकू को बुला के ना उसके साथ अपने 10-15 मिनट बिताती हूँ, और वाकई दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मेरा घर ऊपर और नीचे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जब ऊपर आती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए ना, इसी टाइम सारे कारपेट्स वगैरह हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी जो है करीब 10-15 दिन पहले प्रेम को दोबारा से लगा लिया है। मेरी हाउस हेल्पर थी लास्ट ईयर, मैंने उसको कुछ दिनों को रखा था, फिर कोरोना की वजह से हटा दिया था। तो ये सब मैं जो हूँ ऊपर आती हूँ तभी कर लेती हूँ। और हाँ, कल शाम को ना शानू की जो टेबल है ये भी मैंने नीचे पहुँचवा ली। होता क्या है, देखो बच्चों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो रहा है, घर एकदम एक क्लासरूम की तरह से बदल गया है, और हमें ये भी पता नहीं चलता कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उनकी क्वेरीज सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उन्हें क्लास का एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उनको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि एक साल हो गया है, एक लंबा टाइम हो गया है, और इन चीज़ों के ऊपर तो मैंने आपसे लास्ट ईयर भी बात करी थी, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ के बारे में बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ एक आफ्टर स्कूल मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म QMath के बारे में। QMath ऑफर करता है लाइव और इंटरेक्टिव सेशंस फॉर क्लास KG to 12th, और इसमें बच्चे को मिलती है पर्सनल अटेंशन। QMath का करिकुलम डिजाइन किया है IIT और कैम्ब्रिज के एक्सपर्ट्स ने, जिसमें कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में लॉजिकल रीजनिंग की मदद से बच्चा मैथ सीखता है, ना कि फॉर्मूलास को रटकर। QMath के लाइव वर्चुअल क्लासरूम्स में जो लर्निंग है वो भी बड़ी एडवेंचरस है, जिसमें कि बड़े ही कूल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की मदद से बच्चा न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, नई चीजें सीखता है, क्वेश्चंस पूछता है, और उसमें अवार्ड्स भी जीतता है। और जो टीचर्स की पेस और स्पीड होती है वो बच्चे के हिसाब से होती है, क्योंकि हर बच्चे की मेंटल एबिलिटी जो होती है वो अलग होती है। और QMath का एक नया विजुअल व्हाइट बोर्ड है, जिसे कि क्यूबोर्ड भी बोलते हैं। साइड द क्यूबोर्ड टैब, जस्ट क्लिक ऑन इट। सो नाउ ऑलराइट, देयर आर सम थिंग्स आई हैव पुट अप ऑन द क्यूबोर्ड। ओके,
और इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, डिजिटल मैनिपुलेटिव्स हैं, जैसे हैं नंबर टाइल, फ्रैक्शन रॉड्स, शेप्स हैं, एबेकस है, डाइस है, और इससे बच्चा विजुअली सीखता है। और जब विजुअल सिमुलेशंस बच्चे के सामने होते हैं तो वो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब कोई भी चीज़ अगर आप देख के सीखते हो तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है और आप खुद ब खुद सीखते हो, और जब आप चीज़ खुद ब खुद सीखते हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहती है। क्लास के दौरान बच्चे के सारे डाउट्स तभी टीचर क्लियर करता है विजुअल सिमुलेशन से, रीजनिंग से, यानी कि बच्चे के सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लास में पूछ सकता है और टीचर उसे उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक वहीं के वहीं पहुंचा देता है। और आप भी दे सकते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग मैथ लर्निंग प्रोग्राम अपने बच्चे को। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से आप एक फ्री डेमो क्लास बुक करिए और सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप अपने बच्चे को क्यू मैथ की रेगुलर क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप इस चीज को जरूर ट्राई करिए। ये एक छोटी सी एडवाइस थी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, जो कि आजकल के सिनेरियो को देखें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट आपको होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। और कैसी लगी ये भी बताना। और अब शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज का रूटीन, और वो भी बहुत जरूरी है। पहले तो कोरोना नहीं था तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, जिम भी मैंने ज्वाइन कर रखा था, लेकिन अब मैं घर पे एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोग भी योगा हुआ, एक्सरसाइज हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें घर पे जरूर करिए। और ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही स्टार्ट किया है और इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैं लेती हूँ कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक, और आजकल तो लेमन और जो है हनी ले रही हूँ। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो एक हेल्दी ड्रिंक जरूर लीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने जो है टर्मरिक टी भी ली थी और ग्रीन टी भी मैं ले लेती हूँ। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप जो है हेल्दी ड्रिंक की जगह ले सकते हैं। मॉर्निंग में भीगे हुए मुनक्के भी ले सकते हैं, और इस टाइम हो रहा होता है करीब 5:30 के अराउंड टाइम, और प्रेम आ जाती है। वैसे तो मुझे जो है अपने हाथ से काम करना पसंद है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अब काम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से मुझे अपने आप को फ्री रखना पड़ता है और मैं उसकी कुछ चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो जितनी देर प्रेम बर्तन धोती है, वो सबसे पहले आके जो है बर्तन ही धोती है, उतनी देर मैं ऊपर जाके जो है ऊपर की जितनी भी सफाई होती है, मतलब डस्टिंग वगैरह होती है, वो सब मैं कर लेती हूं। और कभी कभी तो जैसे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मॉर्निंग में ही कर आती हूं। देखो, हर चीज को ना आपको एक डिसिप्लिन वे में करना रहता है। अपने कामों का एक रूल बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, रूटीन बनाइए, क्योंकि होता क्या है जब हम काम करते हैं तो वो हमारी आदतों में आ जाता है और उसके रिजल्ट आते हैं। देखो, कोई भी चीज फिर हमें बोझ नहीं लगती है, और दिन की शुरुआत में काम से अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे ना तो आपको आलस फील नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं जो हूँ बिल्कुल भी मॉर्निंग के टाइम पे लेट ना या चाय पे चाय पीते रहना, एक कप पी ली, दो कप पी ली, वो सब मैं नहीं करती हूँ। और इस टाइम पे जो है ना अपने आप को बिजी रखती हूँ जब तक कि सब लोग ना उठ जाएं। और देखो, साथ के साथ जो है प्रेम भी बीच में बर्तन धोने के बाद ऊपर आ जाती है, और साथ के साथ वो भी अपना काम करती रहती है। जहां तक डीप क्लीनिंग की बात है, वो मैं जो हूँ मॉर्निंग जल्दी उठ के कर लेती हूँ, इतना टाइम मिल जाता है। और जब आप रेगुलर क्लीनिंग करते रहते हैं तो डीप क्लीन का जो नंबर आता है वो हफ्ते में एक बार आता है, उस दिन मैं करण से बोल देती हूँ, वो मेरी जगह पूजा कर लेता है और मैं अपना टाइम क्लीनिंग को दे देती हूँ। तो देखो, इस टाइम मैं प्रेम के साथ काम करा के नीचे पूरी क्लीनिंग करके नीचे चली भी जाती हूँ। और इस टाइम जो हो रहा होता है 7:00 ही बज रहे होते हैं या उससे कम ही टाइम होता है,
और इस टाइम पे फिर मैं नीचे जाके चाय वगैरह पी लेती हूँ और थोड़ा सा क्लीनिंग किचन की कर लेती हूँ। पूजा के बर्तन मैं शाम को ही रात को लाके रख देती हूँ, वो धुल जाते हैं। और अब मैं बना के रख देती हूँ डिटॉक्स वाटर। ये बहुत ही जरूरी है देखो डिटॉक्स वाटर बनाना। और मेरा तो अब जो है ना वेट बढ़ रहा है, मुझे खुद रीजन नहीं पता क्या रीजन है। तो देखो डिटॉक्स वाटर बहुत हेल्प करते हैं वेट को थोड़ा सा बैलेंस रखने में। तो मैंने ना चिया सीड्स ले लिए, दालचीनी ले ली और अनार के कुछ दाने ले लिए हैं और इनसे मैं बनाऊंगी। कोई भी फ्रूट हो आप उसमें दालचीनी डाल लो, अदरक डाल दो, पानी में डाल के इन्हें कांच की बॉटल में बना के रखो डिटॉक्स वाटर। और अगर कुछ भी नहीं हो तो पानी में दालचीनी मिला के ही रख दो, जो भी फल हो। और ये मैंने बनाया है ग्रीन टी का एक डिटॉक्स वाटर। ये मैंने ग्रीन टी बना ली है, थोड़ी सी ठंडी कर ली है और इसमें मैं डाल दूंगी नींबू के कुछ स्लाइसेस। अगर आपको ये कड़वा लगे तो आप इसमें शहद भी डाल लो, नींबू को ऊपर से आप थोड़ा सा घिस सकते हैं क्योंकि इसका छिलका कड़वा होता है। और उसके बाद इनको पीजिए, डिटॉक्स वाटर बहुत हेल्प करते हैं वेट को सही रखने में। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मेरा वेट जो है बराबर बढ़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि और ज्यादा ना बढ़े। तो ये मेरा डिटॉक्स वाटर बन गया है और अब जो हूं मैं आगे का काम अपना करूंगी। और डिटॉक्स वाटर 4 से 5 घंटे में पीने लायक हो जाते हैं, समर्स में आप 2 घंटे के अंदर इनको पी सकते हैं। अब प्रेम के नीचे आने से पहले ही मैं जो नीचे की जितनी भी चीजें हैं ना उन्हें उठा के बिल्कुल सेम जो है क्लीन कर देती हूँ, चाहे बेड्स हो, बेडशीट्स हो या कुशंस वगैरह चेंज करने हो और कारपेट वगैरह हटाने हो। क्योंकि होता क्या है अब ऊपर कोई नहीं सोता है, बच्चे दिन में कूलर चला के दिन भर ऊपर रहते हैं तो ऊपर काफी गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे दोनों ही पोर्शन संभालने पड़ते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। और देखो दरवाजे खुले हुए हैं तो धूप आनी शुरू हो गई है। और इतना करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ और इस वक्त जो टाइम हो रहा होता है वो अभी 8 नहीं बजे होते हैं, 7:40 या 7:45 ही हो रहा होता है और मेरी पूजा स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कोई भी धर्म हो आप किसी को भी मानते हो, चाहे पूजा कर मतलब आप किसी भी तरीके की पूजा करते हैं, थोड़ा सा टाइम ना हमें अपने अंदर की पीस के लिए देना पड़ता है। मतलब मैं बिल्कुल आपको एक रॉ शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत ही शांति मिलती है। थोड़ी सी ही सही, चाहे आप हाथ जोड़ो, जिस तरीके की भी आप पूजा करना चाहो। मतलब ये मैं आप लोगों से ये नहीं मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं कह रही हूँ, आप थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करिएगा। तो आप जब थोड़ा सा भरोसा किसी और पे करने लगते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ जाता है। और मैं नीचे जाती हूँ और देखो नीचे इस वक्त प्रेम पोंछा या तो लगा चुकी होती है और निकल चुकी होती है बाहर। तो देखो गीला है अभी किचन का जो पोंछा है। और इस वक्त वही मैंने आपसे कहा ना, मैक्सिमम अगर टाइम हो रहा होता है तो 8:30 बज रहे होते हैं। तो अभी दूध वगैरह भी नहीं आया है और सुबह मेरा पूरा घर क्लीन हो जाता है। अब जहां तक डस्टिंग की बात है नीचे की, वो मैं जो मेन एरिया है वहां की तो डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन जो बाकी के छोटे छोटे से एरिया है उनकी डस्टिंग मैं नून में करती हूँ, क्योंकि अब मुझे वीडियोज की एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है। तो सारी जैसे डाइनिंग एरिया है, किचन है, ये तो मैंने पूरी क्लीन कर दी है, टेबल्स वगैरह क्लीन कर दी हैं। और अब मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी और मतलब पूरे दिन मैं इनमें से पानी पीती रहूंगी। और अमर का ब्रेकफास्ट जल्दी प्रिपेयर करना पड़ता है, वो 9 बजे तक निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ स्प्राउट्स जो कि डेली लेवल पे रहते हैं इन्हीं के सैंडविच बनाऊंगी। और बच्चे 11 बजे खाना खा लेते हैं तो वो हल्का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैंने जो है मॉर्निंग में जब मैंने अपनी चाय बनाई थी तो मैं मैंगो शेक बना देती हूँ, वही बच्चों को मैंगो शेक दे देती हूँ या कुछ और हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और बनाती हूँ अपनी चाय, जो कि बहुत जरूरी है। ये मेरी बड़ी गंदी आदत है, मतलब नहाने के बाद मुझे एक चाय जरूर चाहिए। 9:30 हो गए हैं, मैंने बना के रख दी है टिंडे की सब्जी दाल और सबको ब्रेकफास्ट करा दिया है। और अब मैं कर रही हूँ वीडियो को एडिट, जो कि शुरू हो भी चुका है जल्दी आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, पसंद आए ना तो एक लाइक जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।